चलिए दोस्तों, अब चलते हैं उस जगह जिस जगह की वजह से यहाँ का जो नाम नहर कुंड पड़ा। जय लोग काफ़ी दूर दूर से यहाँ आते हैं इस पानी को पीने के लिए। मत जुटा के मैं चल पड़ा हूँ घर की ओर। वैसे मैं बैठा हूँ अभी ब्यास नदी के किनारे, जहाँ पर मैं बैठा हूँ उस जगह का नाम है नेहरू कुंड। और ये मेरे पीछे हनुमान मंदिर, जहाँ पर 7 दिनों की भागवत कथा चली हुई है, वहीं मैं अपनी सेवा दे रहा हूँ। तो मुझे आज यहाँ पर हो गए लगभग 4-5 दिन, आज 5वां दिन है कथा का, और मुझे 4 दिन यहाँ पर हो गए हैं। मैं पहले दिन यहाँ पर नहीं आया था किसी कारणवश, और उसके बाद जो बाकी 4 दिन रहे मैं 4 दिन से यहीं रहा। और दोस्तों, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है यहाँ का नेहरू कुंड का वैली ब्रिज। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जो ये ब्रिज है, वैली को 4 चांद लगाता है ये। और रसोई का काम आज जो था वो पूरा हो चुका है, और अब थोड़ी देर हम कथा सुनने बैठे थे, और उसके बाद मैं थोड़ा रिलैक्स होने यहाँ आया हूँ नदी के पास, क्योंकि अंदर काफ़ी हमारे किचन में काफ़ी ज़्यादा हीट हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर 5-6 भट्टियाँ लगी हुई है, गैस की भट्टियाँ, तो उससे जो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो थोड़ा रिलैक्सिंग के लिए मैं यहाँ पर आ गया। ठंडी ठंडी हवा भी चली है यहाँ पे, काफ़ी मज़ा आ रहा है बैठने का। तो अंदर रसोई के पास फ़िलहाल मैंने गौरव को रखा हुआ है, ताकि कोई किसी को कोई चीज़ चाहिए होगी तो वो दे देगा, और वो वैसे भी गेम खेलने में लगा हुआ अभी। कई लोग मुझे पूछते हैं कि इस जगह का नाम नेहरू कुंड क्यों पड़ा। फिर बता देता हूँ एक दो कि क्यों। पहला तो जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, प्रथम प्रधानमंत्री, तो ये उनका फेवरेट जगह थी, तो वो काफ़ी यहाँ पर आते रहते थे इस जगह पर। जब भी वो मनाली आते थे, और फेवरेट जगह थी उनकी पसंदीदा जगह, जहाँ वो लगभग हर साल का एक चक्कर तो लगाया दिया करते थे, और उसके बाद वो यहाँ आना ज़रूर पसंद करते थे, क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर वो आते रहते थे, और यहाँ पर एक छोटा सा पानी का स्रोत है, छोटा सा, जहाँ का पानी उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद था। तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि पहले उस स्रोत का नाम नेहरू कुंड पड़ा, और उसके बाद इस पूरी जगह का नाम ही नेहरू कुंड कहा जाने लगा। तो मेरे हिसाब से तो यही एक वजह है कि इसका नाम नेहरू कुंड रखा गया है, और जो यहाँ का पानी है काफ़ी पवित्र शुद्ध माना जाता है, काफ़ी पूजा पाठ में भी वो काम आता है, पूजा पाठ में भी उसे लगाया जाता है। और कहा जाता है कि इस पहाड़ के ऊपर एक लेक है, भृगु लेक, तो कहा जाता है कि वो पानी वहीं से आ रहा है रिस के, और यहाँ से देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा पहाड़ है उसके बीच में दरार पड़ी हुई है, और वहीं से वो पानी निकल रहा है। तो वो जगह भी मैं आपको दिखाऊँगा थोड़ी देर में। और सामने ये देखिए कुछ एक होटल्स हैं, और ये धुंधी पहाड़ पीछे। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं उस जगह जिस जगह की वजह से यहाँ का जो नाम नेहरू कुंड पड़ा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी जगह है। तो ये रही वो जगह नेहरू कुंड, ये देखिए इस पानी के लिए ये जगह बहुत फेमस है, क्योंकि इतने बड़े पहाड़ से अपने आप नीचे से ये इस तरह का पानी निकलना कोई आम बात नहीं है दोस्तों। लोग काफ़ी दूर दूर से यहाँ आते हैं इस पानी को पीने के लिए।
अब थोड़ी देर कथा भी सुन लेते हैं। तो चलिए कथा हॉल की तरफ। ये हमारे गौरव जी आराम करते हुए अभी फिलहाल तेल के डब्बों के बीच में, ताकि कोई देखे ना इन्हें आराम करते हुए। तो दोस्तों अभी शाम के हो गए हैं लगभग 6:30 के करीब, और हम यहाँ मंदिर से खाना खिला के अभी बरी हुए हैं, फारिग हो गए हैं और अब जाने की तैयारी है घर की ओर। पर मौसम थोड़ा साथ नहीं दे रहा, बारिश लगी है और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, इसमें जाना तो मुश्किल है। थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे यहाँ बैठ के, फिर देखेंगे क्या होता है। थोड़ी सी भी हल्की होगी तो निकल जाएंगे घर की ओर, ज़्यादा दूर तो है नहीं, 3 किलोमीटर लगभग। चलिए इंतज़ार करते हैं। हिम्मत जुटा के मैं चल पड़ा हूँ घर की ओर। वैसे बारिश तो काफ़ी हो रही है, लेकिन घर पहुँचना भी ज़रूरी है, वो भी टाइम से थोड़ा, और इस बारिश के आसार नहीं लग रहे मुझे कि रुक जाएंगे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे।